दिनांक 30 तारीख को रणधीर कुमार वर्मा नाम के एक व्यक्ति जो नौकरी के नाम पे ठगी करते थे, उनका कुछ लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया जिनको उन्होंने ठगी किया था। 2 तारीख को इनने हम लोगों के मोबाइल पे मैसेज करना शुरू किया कि पटना में 5-6 जगह बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है और पटना को दहलाने से बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। कई वरीय पदाधिकारियों के मोबाइल पर ये मैसेज भेजा गया। उसी क्रम में जब हम लोगों ने मोबाइल को ट्रैक किया तो रणधीर कुमार वर्मा को उन अपहरणकर्ताओं से रेस्क्यू बुलाया गया और वो अपहरणकर्ता वो हैं जिनके साथ इन्होंने ठगी की थी और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अगर एक दिन में इसको रेस्क्यू नहीं करवाया जाता तो इनकी हत्या कर दी जाती। रणधीर कुमार वर्मा कई जगह से 50 लाख से ऊपर की ठगी किए हैं, जिसमें से एयरटेक नाम की एक दिल्ली में कंपनी है जो ठगी करती है कि रेलवे में जॉब दिलवा देंगे, और यहाँ पे बोरिंग रोड पे भी एक कंपनी है जिसके नाम पे ये ठगी लगातार कर रहे हैं। रणधीर कुमार वर्मा हमारे पास है और जो 5 बाकी अपहरणकर्ता हैं उनको भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। वो मोबाइल जिससे धमकी दी जा रही थी लगातार वो मोबाइल भी बरामद किया गया है और बाकी कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिससे प्रमाणित होता है। सर एयरपोर्ट विंग्स नाम की कंपनी मिल रही थी सर, उन्हीं के लिए जो भी कैंडिडेट्स जुटाना। कहाँ तक पढ़े लिखे हुए? कितना ठगी की हो गया, कितना लोगों से पैसा सर? एयरपोर्ट विंग्स ने बहुत लोगों के साथ ठगी की है तो उनके लिए मैं कैंडिडेट जुटाने का काम करता था। कितने कितने पैसे लेते थे सर? एयरपोर्ट विंग्स 65,000 रुपये और कैंडिडेट से लेते थे प्राइवेट जॉब दिलवाने के लिए एयरपोर्ट पे, जिसमें 15,000 रुपये पर हेड मुझे मिलता था, 50,000 रुपये कंपनी को। आप पढ़ाई कहाँ तक किए हुए सर? डिस्टेंस से BBA सेकेंड ईयर।